Thank you.
चंदा चुप मत जाइयो।
कालिया कन्हैया बोल आज रंगीन बोल आधा तो नाचे और आधा बोले अरे आधा का नंबर है आधा तो नाचे थके और आधा तो तुम लोग गांव के बहू है ना इसलिए नहीं नाचती हो यहाँ के बेटियां नाचती है ना अभी थोड़ी देर माजी फटा फटा हाथ चल दी अभी 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 आज रंगी अभी आ रहे अभी यही है अभी आ रहे आएगी अभी आएगी दोबारा आएगी आएगी तो आज रंगी होली रे Oh,
Yeah.
की जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। देखो आज लग रहा है जैसे बरसाना में आ गए। कहाँ गए हो? होली कहाँ पर होता है? वहाँ एक रंगली गली है, गए हो? देखे हो रंगली गली कहाँ पर है? जब परिक्रमा लगाओ ना, बरसाने की जब परिक्रमा लगाओगी, परिक्रमा का जो स्टार्ट होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो गली का नाम रंगली गली। बोले रंगली गली क्यों है? बोले कारण है, कृष्णा जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन ये प्रेम ऐसे की चीज है कि गोपियां क्या करती हैं, उनको रंग से है उसको पूरा का पूरा उसमें स्नान करा देते हैं, इसलिए उसका नाम है रंगली गली। अभी होली गा रहे थे ना, ये होली है क्या चीज? जैसे राधा रानी गुलाल लेकर कृष्ण को ऊपर फेंकती है, कृष्ण गुलाल को राधा रानी को ऊपर फेंकती है, ये गुलाल क्या चीज है? बोले जो गुलाल है वो प्रेम है, गुलाल ये प्रेम है। कहते हैं राधा रानी अपना प्रेम से कृष्ण को स्नान करा देती है, कृष्ण अपना प्रेम से श्री राधा रानी को स्नान करा देती है, इसलिए उसका नाम होली। जैसे हमने होली गाए, दो मिनट नाच लिया, उसके बाद में फिर रंग उतर करके आ जाएगा, फिर घर में जाएंगे तो घर का रंग में रह जाएंगे, यहाँ तो होली रंग में रंग रहेगी, लेकिन घर में जाओगे तो फिर घर का रंग में, घर में जो दुख कष्ट है वो दुख कष्ट रंग में, घर में ये समस्या, घर में ये दिक्कत है दिक्कत, बस यहाँ से निकलते घर का सारे याद आने लग जाएगी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भैया ऐसे कौन सा रंग में रख जाए जो घर में जाने पर भी वो रंग उतर नहीं, वो रंग कभी हमारे ऊपर से उतर नहीं। कहते वो रंग कौन सा रंग है? बोले भगवान की नाम रंग। कौन सा रंग है? बोलो जोर से, नाम रंग। भगवान की नाम रंग है, ये रंग में रंगने के लिए कोशिश करो। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे, लेने से पहले उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया, जैसे आप लोग आए ना, सारे महाप्रभु के भक्तों को बुलाया। महाप्रभु कहते देखो तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो? बोले प्रभु आप तो हमारा प्राण। बोले अगर मेरे को प्रेम करते हो, मैं तुमको ये अंतिम उपदेश दे करके जा रहा हूँ। कहते कलयुग में मैं जगत में दो रूप में कलयुग में अवतरित हूँ, एक है तो भगवान का नाम। भगवान अपने माँ को भी यही कह रहे, बोले माँ मैं तो संन्यास लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन माँ मेरे दो रूप में अवतार हो, इसलिए ये जो जीवा है ये माँ है, जीवा भी हमारी माँ, क्योंकि ये जीवा से भगवान का नाम करते, ठाकुर जी का नाम करते। कहते ना माँ किसको कहते? जो बच्चे को जन्म देते उसे माँ कहते ना, इसलिए ये जीवा से क्या होता है, ये भगवान का नाम निकलती है जीवा से, इसलिए ये जीवा भी ये माँ। एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम हो गया भगवान की जीवा, ठाकुर जी की जीवाई की माँ है। बोले माँ जब जब कृष्ण तो एक बार मथुरा में गोकुल में जन्म हुए, राम तो एक बार अयोध्या में जन्म हुए, एक बार तो जन्म हुए, लेकिन जब जब जीवा से प्रभु का नाम प्रकट होता है तब तक हमारा जीवा ही ये अयोध्या और जीवा ही श्री वृंदावन बन जाता है, जीवा ही गोकुल बन जाता है, जहाँ पर भगवान नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए महाप्रभु अंतिम उपदेश तक लेकर जा रहे हैं, बोले की भोजने की सयने की बा जागरणे अहर निश्चित कृष्ण बोलो। महाप्रभु कहते सोते समय, उठते समय, जगते समय, चलते समय क्या करो, हाथों में तो अपना काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम करो, क्योंकि नाम धनी हमारे साथ में जाने वाले हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं घर में चार पांच मिलकर बैठ जाना, अगर ये ढोलकी हो तो अच्छी बात है, अगर ढोलकी भी नहीं हो, मजीरा हो तो काम चल जाएगा, अगर मजीरा भी नहीं हो भगवान हाथ भी आ जाए,
ताली बजाना, क्या करना, ताली बजा तुम्हें मेरे नाम लेना। जब जब तुम मेरे हमारे नाम लोगे, मैं नाम रूप में स्वयं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए हिंदी में एक कीर्तन है, बोले सुंदर लाला सची रा दुलाला पर प्रकट होकर के नाचने लग जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, उनका नाम था नीमा, नीम का पेड़ से जन्म, पेड़ के नीचे जन्म हो गया। और उनको पहले छह छह बच्चे, उनको जैसे कृष्णा आने से पहले कंस ने छह बच्चों को मार डाले, महाप्रभु जन्म होने से पहले छह बच्चे भी उनकी खत्म हो गए हैं, छह बच्चे खत्म हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोले ऐसे एक नाम रख दो, बढ़िया नाम रखना, ये जम ले जाता है। ऐसे कड़वा नाम रख दो, जब सुनते ही है उसको मुंह जैसे कड़वा हो जाए। इसलिए उन्होंने इनका नाम नीमा लग दिया। नीम वृक्षों के नीचे जन्म हो गया, नीम पत्ते खाए हो, मीठा ना कड़वी लगती, खाए नहीं ऐसे लगती, कड़वा लगता है। इसलिए उनका नाम नीमा, डर से उनका नाम नीमा रख दिया है। इसलिए महाप्रभु जब जैसे तुम आता है, जब जब बैठ कर की कीर्तन करती थी, महाप्रभु देखने में बहुत सुंदर थे। जब जिस जिस घर में जाते थे सब मीठा देते थे, लेकिन वो खुद नहीं खाते थे, उसको मीठा को रख लेते थे, किसको खिलाते थे। जब है जहाँ पर माताएं बैठ कर कीर्तन करती हैं है भगवान की, वो जहाँ कर उन्होंने माताओं को मिठाई देते थे। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, मेरे जो कीर्तन करेगा ना खूब मिठाई खिला। हमारे विनोद प्रभु भी यहाँ पर मिठाई की व्यवस्था है, जब घर में जाकर इनके प्याकर मिठाई देते विनोद प्रभु की मिठाई की व्यवस्था। हम भी जहाँ जहाँ जाते हैं हमें भी मिठाई खिलाते हैं, खूब फल और मिठाई, हम भी मिठाई फल खिलाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे नाम जो लेगा ना खूब मिठाई खिलाऊंगा, बस चिंता मत करो है। कभी मेरे नाम को बोलो, मेरे नाम को लिया करो, ठीक है ना। इसलिए सबके सब भगवान का नाम जप करना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये नाम दिया, ये नाम नहीं ये कृष्ण को तुमने दिया है, ये माला रूप में कृष्ण दिया है। गुरुदेव कहते थे मैंने माला नहीं दिया कृष्ण को ही, तुम्हें कृष्ण को ही दिया। इसलिए रोजाना क्या करोगे, भगवान का नाम जप करो है। ऐसे नहीं जब इच्छा हो गया कर लिया, नहीं तो माला जहां था लटक रहा है। गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव माला देते कृष्ण को ही देते। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन तुमने माला जप नहीं किया ना, ठाकुर जी भूखे रह गए, भोजन नहीं किया, ठाकुर स्नान नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदले, अगर एक दिन तुमने माला नहीं किया। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब तक कुछ माला नहीं कर लूंगा तब तुम भोजन नहीं करना, पहले भजन बाद में भोजन। ध्यान तो गुरुदेव कितने माला करते थे, भोजन करने से पहले सवेरे 1,00,000 माला करते थे, 1,00,000 नाम मतलब 64 माला करके तब गुरुदेव भोजन करते थे हैं। इसलिए बहानाबाजी नहीं बनाना है, बहानाबाजी नहीं बनाना। टीवी देखो तो 3-3 घंटे बैठ बैठ कर देखते हैं, अरे बहु बेटी की बात हो ना बस, इससे तो चुगली शुरू हो जाए तो इससे तो बढ़िया मिठाई देने का कुछ है ही नहीं। सबसे मीठा समझो यही मीठा है, सब मिठाई इसके सामने घंटे घंटे बीत जाती है। और जब भजन की बात हो तो बोले समय का। गुरुदेव कहते थे हैं, गुरुदेव कहते जब तक तुम माला नहीं करना तब तक भोजन नहीं करनी है, पहले भजन बाद में भोजन। इसलिए महाप्रभु रोज महाप्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर के पास में आते थे। हरिदास ठाकुर दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। कितना माला करते थे, 3-3 बार 64 माला 3 बार करते थे हैं। तब महाप्रभु भोजन करते थे, महाप्रभु रोज प्रसाद लेकर के आते थे हरिदास ठाकुर के पास में। एक दिन क्या हुआ, अभी हरिदास ठाकुर एकदम वृद्ध हो गए, अंतिम बिस्तरा में लेटे हुए हैं, शरीर छूटने वाले, शरीर छूट जाएगा। तब महाप्रभु प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो। बोले प्रभु आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले क्यों, बोले मैं जो 3 लाख हरिनाम करता था है, जो 3 लाख में हरिनाम करता था, आज मेरा 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं।
जब तक मैं 3 लाख हरि नाम नहीं कर लेता तब तक भोजन नहीं करता, पूरी नहीं हुआ। महाप्रभु बोले हरिदास तुम सारा जीवन 3 लाख हरि नाम किए हैं, अभी तो वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए, अंतिम सज्जा में लेट हुए हो, तब भी सोते हुए भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सोते सोते भी प्रभु का नाम जप कर रहे थे। बोले अभी तो थोड़ा कम कर लो, अभी तेरा नाम थोड़ा कम करो, वृद्ध हो गए अभी शरीर छूटने वाले, देखो कितनी अच्छी बात कहते, कितनी सी बात लेकर के जा रहे। वो कहते प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, शरीर तो मेरे चंगा है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, जो असुस्त है ना जो बदमाशी ये मन है, देखना ये मन इतने दुष्ट है, इतने दुष्ट ये मन है, कोई दूसरा काम हो है लड़ने का काम पड़े, क्या क्या बोलते हैं हरी सुमरन को मरी मरी, और लड़ने का बात है दौड़ दौड़ी आवे और लबल लकब करेंगे। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चती अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो, देखो इसमें कहते हैं संत हमारी जो गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चती अन्य कथा पाओ, अगर दूसरी बात हो ना भूत प्रेत की, बोले हमने एक भूत देखा था, अरे मैंने इतना बड़ा भूत देखा था, बोले मैंने एक सांप, अरे मैंने इतना बल्ला, एकदम एनर्जी आ जाती है, पूरा एनर्जी आ जाती है। जल्दी अन्य कथा पाओ आटिया साटिया, आटिया साटिया मतलब एकदम जोश आ जाता है, लेकिन कृष्ण नाम लाइफ है आलिस। अगर प्रभु का भजन की बात बोलना, ये नींद आ रही तकिया ले आओ, नींद आ रही है तकिया ढूंढते हो बालिश सोने के लिए है, इसलिए यहाँ पर कहते बोले प्रभु शरीर मोर्त अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है, इसलिए वो कहते थे सवेरे उठो अपना जुती लो, 100 बार अपना मन को पीटो, 100 बार पीटो, मतलब क्या ये मन को समझाओ, मन सारा दिन इधर उधर बात नहीं करनी, दूसरे की चर्चा बुराई नहीं करना, जिसको बुराई चर्चा करोगे उसका पाप तुम्हारे ऊपर आएगा, वो चीज को छोड़ करके भगवान का नाम जप करना, जिसमें शांति और सुख मिलेगा, भगवान की नाम से पाप कटेगी है, जीवन में सुख शांति आएगी, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी कहते थे माला को कभी भूखे मत रखना, खुद भूखे रह जाओ, खुद भूखे रह जाओ है, लड़ाई झगड़ा हो जाए ना 2-3 दिन तो भूखे रह जाएंगे, पति को साथ में अगर लड़ाई हो गया 3 दिन तक एकादशी करते रहे, इसलिए क्या करना माला ठीक से करना। और गुरु जी से जब एक बार तुलसी कट्टी हमने माला ली, कभी भी गले से तुलसी कट्टी नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी काम में अंतिम समय में आएगा, जो सोने चांदी पहने सब एक एक उतार कर ले जाएंगे हैं। एक बूढ़ी माँ ने मर गई तो उसको हाथ में सोने की कंगड़ थी, बहुएं तो रो रही, बेटियां रो रही, सास जी चली गई रो रहे, रुद्र बेटे के कान में कह रहे देख भैया का हाथ में सोने की बाला उतार कर रख लेना चले गई है, ये सब उतर जाएगा। लेकिन तुलसी कंठी है ऐसी चीज है कि जो तुलसी कंठी है अगर गले में तुलसी कंठी रहेगी ना, एक तो जब दूध तुमको लेने नहीं आएगी, तुमको वैकुंठ दूध तुमको लेने के लिए आएंगे, वैकुंठ से भक्त लोग आएंगे, गले में अगर तुलसी कंठी हो है, अगर गले में कंठी अगर उतर गया, अब देखना कोरोना में कितने लोग चले गए, कब मर जाएंगे कोई ठीक नहीं है, बात मत करो बैठ के बात, इसलिए कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, अगर ये गले में कंठी के बगैर कहीं भी मर गई ना, अब देखना मरने के बाद 13 दिन बाद में सुध गया, क्यों उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो केवल टाटी की पेशाब खून पी और कोड़े मार मार करके वो नदी पार करने के लिए 13 दिन लगता है, इसलिए देखना मरने के बाद 13 दिन बाद में सुध गया क्यों होता है। अब लोग सुने होंगे किसी किसी घर में मरने के बाद 13 दिन तक गौरव पुराण पढ़ाई होती है, देखना स्वरूप बता दें पहला दिन क्या होता है, दूसरे दिन की आत्मा कहाँ, तीसरे दिन कहाँ जाती है, बैतरणी नदी कैसे पार करती है, इसलिए अब देखना जैसे बड़े दुख कष्ट से जो सड़ सड़ कर मरते हैं, हम कहते हैं ना भैया उसको बड़े पाप कर्म करके मरे, उसको नाम पर गौ दान दे, उसको नाम पर गौ दान दे दो, गैया का पूंछ पकड़ करके पार हो जाएगा है। लेकिन तुम्हारी गले में तुलसी कंठी रहेगी ना, कभी ये बैतरणी नदी पार नहीं करोगे, अगर तिलक कंठी रहा भजन किया ये बैतरणी नदी तुम्हें कभी भी पार नहीं करना पड़ेगा, अगर कंठी नहीं तुम्हारी गले में कोड़े मार मार कर आपसे ग्रंथ पढ़ लो
कदर कोड़े मार मार करके उठाती पैसा मुट्ठी का नदी तेरा दीप में पार करवा दी। इसलिए गले से गुरुदेव कहते थे, गले से अगर कट गई उतर गया गुरु माला लिए उतर गया। गुरुदेव कहते थे जब दो बार गले में तुलसी कट्टी नहीं पहन लेते तो पानी भर गया, पानी नहीं मना करते थे। क्यों? जैसे पानी पीते है ना, गले में कंठी है, जब पानी पीते हैं इसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है, इसलिए पवित्र होकर के जाती है। जैसे कोई बोली बोलते हैं, गले में कंठी है, इसको स्पर्श करते हुए बोली बोलना निकलती है, वो शुद्ध होकर गले से कंठी है ना तुलसी कंठी, पवित्र होकर के गले से बोली निकलती है। इसलिए हर चीज को ठीक है ना, जैसे ठाकुर जी को हम कोई भोग लगाते हैं, छापन भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मन। भले ही जितने ठाकुर को तुम लगा दो लेकिन तुलसी पता तुमने नहीं दिया, ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर, देखते भी नहीं उस तरह। कहते जो शरीर है हमारी, ये टाटी पैसा खून पी का थाली है, हैं? ये शरीर तुम्हारी ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा। इसलिए गले में तुलसी कट्टी नहीं, ठाकुर के लिए तुम खाना नहीं बना सकते। हमारे देश में होता था जैसे संत लोग बैठे हुए, अगर उनको खाना खिलाने हो जिसे गले में तुलसी कटी नहीं उसका हाथ से खाना नहीं खाते, बोल नहीं तो पानी छुआना छुना नहीं, ठाकुर का कोई चीज छुना नहीं, तुम्हें गले में कटी नहीं, तुम अपवित्र हो। जैसे जब तक हमारी आश्रम में कोई आते हैं, जब तक उसको गुरु जी का हाथ में गले में कटी नहीं पहनाते ना, तो उसका हाथ का खाना नहीं खाते ना, तो गले में तुम्हारी तुलसी कटी नहीं है, तुम्हें भी पानी छुना नहीं, कोई खाना नहीं छुना। क्यों? ये शरीर में टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है ही नहीं, पेट फाड़ कर जिसको रखो तो कोई बैठेगा नहीं, सब भाग जाएगी यहाँ से, तो ऊपर से एक चमड़ा ढका हुआ है इसलिए प्यारी लग रहा है, अंदर को देखा नहीं जाएगा, इतनी गंदी चीज है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित ही अधम शरीर। आप सवेरे उठ करके देखो, मुंह से बदबू, नाक से बदबू, आंखों से बदबू, कान से बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू निकलता है, टाटी पे साफ निकलती है। ब्यूटी पार्लर में जाओ, सजता गर्मी का समय हो, 5-10 मिनट के बोले बाहर चले जाओ, तुम्हारी कण कण से बदबू बदबू घाम, जो पसीना ना बदबू बदबू सब शरीर से निकलता है। शरीर में कुछ नहीं, केवल टाटी पेशाब का थली और कुछ है ही नहीं शरीर में, लेकिन ये तुलसी इतने महत्व है, गले में तुलसी कंठी पहनने पर बस ये शरीर ठाकुर का बन गया। किसका बन गया? इसलिए गले से कभी तुलसी कंठी क्या करोगे बोलो जोर से, नहीं उतरना। अगर गुरुदेव कहते टूट गया तो झटा झट अगर तुलसी नया नहीं उसको सुई में पोलो, उसमें सुई में पोलो, गुरुजी कहते थे उसमें सुई में पोलो, पो करके जब तक नहीं पहन लो पानी तक भी पीना के लिए गुरुदेव बना करते, बोले पानी नहीं पीना, पहले गले में तुलसी कट्टी पहने उसके बाद में पानी पीने का, ठीक है ना। इसलिए जब महाराज क्या कहते हैं, जिसको गले में तुलसी कट्टी समझना भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास मत लाया करना है। हम कहते ना दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। कैसे पता चलता है ये पालतू है? कैसे पता चलता है ये पालतू कुत्ते है? गले में पट्टा बंधा रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते है, हैं? देना पालतू कुत्ते कोई मारता नहीं, लेकिन जिस कुत्ते गले में पट्टा नहीं है वो फालतू कुत्ता, देना पालतू को तो मारेगा नहीं, कोई फालतू को छोड़ता नहीं, पालतू कोई मारता नहीं, फालतू कोई अभी तो फालतू बनोगे ना, फालतू बनोगे फालतू, अरे बोलो जोर से, हाँ फालतू नहीं बनना है, क्या बनना है? बांके बिहार जी की फालतू बनना, ठीक है। और भगवान की जो नाम है नियम करके, जैसे खाते हैं नियम से, सोते हैं नियम से, पहनते हैं नियम, सब सब काम नियम से करते कि नहीं, सारे काम को नियम से करते हैं, लेकिन भजन भी नियम से करनी चाहिए। क्यों? यही चीज तो जाएगा तुम्हारे साथ में, और तो कुछ जाएगा नहीं, जाएगा तो यही जो चीज जाएगा, तो उसको नियम से क्यों नहीं करते? और जो जाएगा नहीं उसको दिन भर पीछे, उसको पीछे पीछे लगे हुए दिन पीछे पीछे, जो साथ में सुई धागा भी साथ में यहाँ से नहीं जाएगी, ठीक है ना। सबके सब हरिनाम करना, गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ, ठीक है, तिलक लगाना सबके सब, हाँ सबके सब तिलक लगाना, ठीक है ना। ये तीन चीज को पक्की रखो, कंठी तिलक और भगवान की माला। हाँ बताते ना, जैसे विदेश जाना चाहते हो तुम्हारे पास में तीन चीज हो तो विदेश जा सकते हो, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर टिकट। कहती है पासपोर्ट क्या है? बोले गले में कट्टी। बोले वीजा क्या? बोले तिलक। बोले टिकट क्या है? बोले हरि का नाम, हरि का
ठाकुर जी का नाम यही अंतिम समय में यही काम में तुम्हारे से आएगा और साथ साथ में यही धन ही तुम्हारी काम में आएगा। ठीक है, ये तीन चीज को पक्के रखोगे ना ये सीधा ठाकुर के पास, फिर तो जन्म दुख कष्ट जरा व्याधि ये जितने दुख कष्ट तुम्हारे जीवन बनना सब दुख कष्ट हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज श्री बिन्नत जी के घर में और बिन्नत जी की पत्नी का नाम क्या है? रजनी। और बेटी का नाम? श्वेता। मैंने क्या नाम दिया? गुरुदेव विष्णु प्रिय देव। राधा तो मम्मी का नाम है। हाँ, मम्मी का नाम राधा। तुम्हारा नाम? गुरुदेव श्यामा दासी दिया। श्यामा दासी। देखो इनका आज घर में भक्त लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो रही है, घर में हरि कथा हो रही है, भागवत कथा है। जिस घर में ठाकुर का नाम कीर्तन भजन कुछ पाठ होता है, ये सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा यथा चुतादर कथा प्रसन्न। जिस घर में भगवान की कथा कीर्तन हो जाए ये तो घर घर नहीं पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। अब भागवत सुने है ना, जिस समय चतुसन कथा कर रहे थे उस समय कौन आए? पहले तो ब्रह्मलोक से जितने बड़े बड़े ऋषि मार्कंडेय पराशर जितने बड़े बड़े ऋषि वही स्थान पर आए। उसको बाद में देवलोक से देवता लोग आए, कहते जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सारे तीर्थ उसी पर आ गए हैं। और जितने जो जो दंडकारण्य आदि समस्त वहां पर वन भी आए हैं। और जो नहीं आए अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले भाई जानते हो श्री चतुसन भगवान की कथा करते, चलो सबके सब विश्व ब्रह्मांड के जितने लोग सबके सब वहां पर आते हैं। कहां पर? जहां पर भगवान की कीर्तन हो जाए, भगवान की कथा हो जाए है। इसलिए वो घर घर नहीं, कहते घर तो भगवान का धाम बन जाता है। कहते ना मंगल भवन अमंगलहारी। एक समय कोई संत किसी गांव में आए, जब वो संत गांव में प्रवेश कर रहे थे देखा एक बड़ा भयानक भूत, बड़ा भयंकर एक व्यक्ति गांव से निकलते हुए जा रहा है। वो संत ने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे, कौन है? बोले अब आ रहे हो ना इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनको समझ में नहीं आया क्या कहते हैं, अब आ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। जब सचमुच से वो गांव में आया और देखा घर घर में परेशान, किसी घर में शांति सुख नहीं, कलह बहु बहु में, भाई भाइयों में बड़ी बड़ी बीमारी, सबके सब बड़े हुए, किसी घर में शांति सुख नहीं। संत लोग क्या करते हैं, जाकर क्या करते हैं? कहते बदकथा बदकथा चिंता बधयन्ते परस्परम। संतों का काम हरि कीर्तन करना, हरि चर्चा करना, ठाकुर की भक्ति पूजा पाठ करना। कहते भगवान के नाम पूजा पाठ करने से क्या होता है? बोले सर्व उपद्रव समनम, जितने उपद्रव है सब खत्म हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोग खत्म हो जाते, शांति दम शांति मिलती। सर्वारिष्टम, जितने शत्रु नष्ट हो जाता है। जब संत आए उनका काम हरि कीर्तन हरि नाम करना, जब गांव गांव में हरि कीर्तन हरि कथा शुरू किया ना, घर घर में आनंद आ गया, घर घर में आनंद आ गया, जितने दुख कष्ट सबके सब खत्म हो गए हैं, सब दुख कष्ट खत्म हो गए। फिर वो संतों को पता चला, हाँ मैं जब आ रहा था वो जो जा रहा था ना वो कौन था? वो भूत प्रेत था, वो गांव को पूरा परेशानी परेशानी कर रखा था, पूरा गांव में कोई सुखी नहीं थे। फिर उनको पता चला, ओ इसलिए मैं जब आ रहा था वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मतलब ये गांव का जो दुख कष्ट था ना, जब देखा भक्त आ रहे संत आ रहे कीर्तन हरि कथा होगा, भैया जहाँ पर हरि कीर्तन कथा हो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, इसलिए वो जा रहा था, समझ रहे हो? इसलिए घर घर में कीर्तन करो, हरि कथा नाम करो, सबके सब भजन करो, फिर तुम्हारे घर ही भगवान की धाम बन जाएगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम। पीछे पीछे का कीर्तन कर लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय, बोले गोविंद Oh,
बहुत महत्व है। क्या महत्व है? आप देखना जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना, किसी तरह से जैसे दुख नहीं जाता, एक को बाद में एक दुख को बाद में एक दुख को बाद में दुख आती जाती रहती, दुख जाती नहीं किसी तरह से। लास्ट में क्या करते हो? खुद तो खुद कोशिश करते हैं, जब दुख नहीं जाता है ना, फिर हम किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, क्या करते हैं? चुप रहो, अरे हो गया, फिर बाद में आएगी, उसको बोलना तुम ले गए किसी बात में, बैठो भाई। इसलिए थोड़ी देर बाद इसलिए कहते हैं जब दुख इस तरह से जाती नहीं, हम क्या करते हैं? किसी ज्योतिष को पास में जाते, बोले भैया थोड़ा हाथ दे दो, किसी तरह से दुख जा ही नहीं रहा, एक के बाद में एक क्या वो तुम्हारे दुख को दूर कर देगा? बोले भाई ये स्टोन पहना करो, वो स्टोन पहना करो, बस पैसा एंड लेगा, हैं इधर उधर बात करेंगे ना, इधर उधर सारे पैसा एंड लेगा, तो दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दुख को थोड़ा दूर करता है ठाकुर करेंगे। इसलिए आप कहते ना ईश्वर, उनका नाम ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या है? ईश्वर मतलब होता है कि अगर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जब सत्य सामने ईश्वर, ईश्वर का डेफिनेशन बताया जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकते, दुखी को सुखी, सुखी को दुखी, मरने वाले व्यक्ति को भी जो चिंता कर सकता है, कौन है? ठाकुर। ठाकुर ही सब दुख, ठाकुर ही दूर कर सकते, दुनिया में कोई हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, ठाकुर ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम ताली बजाते हैं ना, हमारे भाग्य रेखा ना, हाँ अगर कभी अगड़ो बगड़ो इधर उधर हो तुम्हारे भाग्य रेखा, लेकिन जब हाथ से ताली बजाते हो, ताली का हाथ से बजाते ना ताली को, आप कहते ना ताली बजा कर तो स्वागत करो, बोलते ना इनको स्वागत में ताली बजाओ, लेकिन यहाँ जो ताली बजाते हो किसको स्वागत में कर रहे? बोलो ठाकुर जी के स्वागत में। इसलिए भगवान ही तुम्हारी भाग्य रेखा को वही बदला सकते हैं। देखो मेरे तरफ में देख लो, जो माता होगा ना उल्टा हाथ में, ये भाग्य रेखा खुद देख लेना, रेखा अगर इसको क्रस करे, ऊपर अगर क्रस कर दिया ना, अगर उसमें त्रिशूल रूप धारण कर लिया, त्रिशूल तीन जगत में तुम्हारी जय जीता था, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, ये माताओं का उल्टा और भाइयों का सीधा, अपने अपना देख लो, इसी पूरा इसी रेखा को, जो ये रेखा है ना इसको भाग्य रेखा कहते हैं। आप देखना, खुद देख लेना, आपको दिखाने का जरूरत नहीं, खुद देख लेना, इसी रेखा को पर सब कुछ निर्भर करता है। आप देख लेना, इसका बहुत अच्छा भाग्य है ना, देखना वो रेखा जरूर उसको बढ़िया रेखा हो, पूरा उसको सीधा जाएगा, हाँ सीधा ही रेखा जाएगा। इसलिए भगवान की इधर थोड़ा और हाथ देखने से पहले देखो, हरे कृष्णा, देखो ताली बजाने से पहले देख लो उसको बाद में करते, भगवान के लिए ताली बजाओ ना, भगवान ठाकुर की भाग्य रेखा सुधार देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी कई दुख कष्ट है घर में, फिर इधर उधर मत जाए करो, घर में बैठ जाओ, अपना घर में बैठ, ठाकुर के सामने बैठो, हाथ में ताली बजाते हो कीर्तन करो, क्योंकि ठाकुर का स्वागत करते हो। देखना अगर भाग्य रेखा इधर उधर हो, भगवान का आशीर्वाद से भाग्य रेखा बदली जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है मधुरव मधुरव मृत मंगल मंगल नाम, ठाकुर का जो नाम है ये मधुर से भी मधुर, ये मंगल से भी मंगल, ये लगता ना मंगल भवन अमंगल है ठाकुर जी, ठाकुर को सामने बैठे ताली बजा, ताली बजा कर कीर्तन करो, ठीक है ना, कहीं इधर उधर भागने का कई जरूरत नहीं, सुधार ठाकुर ही सुधार सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसे कर्म नहीं जो कर्म करके तो भाग्य रेखा को बदला सकते, कोई जगत में ऐसे कोई कर्म नहीं। वाल्मीकि का नाम सुने ना, सुने कि नहीं? वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं? पहले दशरथ ना करो था, कितने बड़े की आजा भी महाबदमाश था, लेकिन बेटा का नाम नारायण, नारायण से सुधरा। वाल्मीकि को राम बोले तो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, उसको क्या बोले? बोलता था मारो मारो, बोलता था ना बड़ा बड़ा, तो बोल सकते हो, अरे दस की रचना कर अगर बड़ा बड़ा करके वाल्मीकि बन सकता है, अगर वो वाल्मीकि बन सकता है, अगर हम सीधा नाम लेता पर क्या नहीं हो सकता, अगर सीधे नाम लेते तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए क्या करो, विश्वास पूर्वक हरिनाम करो, क्या करो? हरिनाम करो, सबसे बैठ करके माला लेकर के, सबसे पहले जितने अपना कुछ कर्तव्य मानते हो, ये मेरी कर्तव्य, बेटा का प्रति कर्तव्य, बेटी को प्रति कर्तव्य, सास का प्रति कर्तव्य, ननंद का प्रति कर्तव्य मानते है ना, उससे पहले सब उठने पहले से थोड़ी दूर पहले उठ जा,
फिर क्या माला लगे बैठ करो। देखो एक काम सुनो, जगत में अक्सर करके जो काम करते हैं ना दूसरों को खुश करने के, सास को कैसे खुश करे, ससुर को कैसे खुश करे, बेटा को कैसे खुश करे, पति को कैसे खुश करे। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तेरे ऊपर हम कोई खुश है संसार में, बोलो बोल दो दिल से, बोलो मेरे ऊपर में सास ससुर कोई खुश है, बेटा खुश है। देखना पीछे तुम्हारी चुगली होती होगी, तुम्हारी चुगली के सिवाय जगत में कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं दुनिया से, चुगली के सिवाय कुछ भी दुनिया में नहीं मिलेगा तेरे को। जिनके लिए कहे तो इनके लिए करो, इसके लिए करो, सब चुगली मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी के लिए। द्रौपदी को थोड़ा अकुल कट गई, भगवान की द्रौपदी थोड़ा बैंडेज कर दी, हरी सभा में लाज आ रही थी। तुम्हारे घर एक पति हो, पैसा वाला हो, थोड़ा ताकत वाला हो, इसका स्त्री छाती है एकदम ला करके चलती, अरे मेरे पति इतना पैसा वाला इतना बलवान है, लेकिन उसका पांच पांच पति थे, मात्र एक एक पति हो रहा उसके पांच पांच पति थे, और उसी समय में सबसे जो बलवान अर्जुन, अर्जुन का नाम सुने हो कि नहीं, कितना बलवान था, भीम जैसे, नकुल सहदेव युधिष्ठिर जैसे। जब विपत्ति आए कोई काम में आए उसकी, बोलो कोई लाज बचाए, बचाएगा किसी ने, मुरली वाले बचाए, मुरली वाले बचाए, वही बचाएगा, कोई बचाएगा नहीं। इसके लिए क्या करो, सवेरे उठ करके जिसको कर्तव्य तुम मानती हो ये करना है उसको सबसे पीछे रखो, पहले माला लगे, पहले सब उठने से पहले उठ जाओ, हैं सब उठने से पहले उठ करके ठाकुर को हरिनाम कर लो, भजन कर लो, जो तुम्हारी अंतिम समय में जाएगा काम में आएगा पहले वो करो, ठीक है। दिन भर जो काम करती हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम, हाथों में काम और मुंह में, अरे जोर से बोलो नाम, यहाँ बोल रहे हो ना जाकर घर में भूल जाओगे, हाँ भूलना नहीं, हाथ में काम मुंह में ठाकुर जी की नाम, जो इससे शांति मिलेगा, ठीक है। बोले हरे कृष्णा, ताली बजा दो जोर से, Thank you.
जय जय श्री राधे गौर।